नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ऑर्किड में। मैं हूं लक्षिता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बारे में, चेस, जिसे भारत में कई जगह शतरंज के नाम से भी जाना जाता है। आखिर क्या है शतरंज के पीछे का इतिहास, क्या बनाता है उसे भारत के लिए? माना जाता है कि आज से 6 शताब्दी पूर्व गुप्ता साम्राज्य के छोटे राजकुमार के युद्ध में शहीद हो जाने पर उनके बड़े भाई के द्वारा महारानी को युद्ध का घटनाक्रम समझाने के लिए 8x8 के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो अपने प्रतिद्वंदी सेना के अलग अलग दलों के प्रतिनिधि रखकर समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह राजकुमार वीरगति को प्राप्त हुए। उनका इस तरह युद्ध का विश्लेषण देना उनके मंत्रिमंडल को बहुत पसंद आया और फिर एक राज्य से दूसरे राज्य तक इस ढांचे का प्रसार और विकास हो गया और अब यह ढांचा भी खेल का रूप ले चुका था। पर्शिया के राजा जब भारत से अपने साथ ही खेल लेकर गए तो इस खेल में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। पर्शियन भाषा में राजा को शाह और हारने को मात कहते हैं। यहाँ से ही चेस की सबसे इम्पोर्टेंट टर्म चेकमेट का डेरिवेशन हुआ, जिसे उस टाइम शहमात के नाम से जाना जाता था। पर्शिया से अरब, फिर चाइना और फिर जापान से यूरोप तक होते हुए अब ये खेल पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका था और 19वीं शताब्दी तक ये खेल अपने पूर्ण विकसित रूप में भी आ चुका था। इस खेल की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी कि फ्रांस में तो इस खेल को कुछ वक्त के लिए बैन भी कर दिया गया था। 20 जुलाई 1924 को वर्ल्ड चेस फेडरेशन FIDE की स्थापना की गई और इस बुद्धिवर्धक खेल को वैश्विक पहचान दी गई। यही कारण है कि 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे भी मनाया जाता है और इस तरह के खेल का जनक होना ही इस खेल को भारत के लिए खास बनाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए द ऑर्किड से। धन्यवाद।